उपस्थित सभी भाई तथा बहनों, आज हम विशेष ऐसे विषय पर विषय को जानने की कोशिश करने वाले हैं जो बौद्ध व्यक्ति करके उसका मूलतः वह एक श्रेष्ठ ऐसा सद्गुण है और वह है दान। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध व्यक्ति दान का आचरण किए बिगर वो बौद्ध नहीं बन सकता। एकाध व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी श्रीमंत व्यक्ति हो, उसके पास बहुत बड़ा वैभव क्यों न हो, लेकिन वह व्यक्ति खुद को मैं बौद्ध हूँ ऐसा कई बार यदि बोलता होगा, परंतु जब तक वह दान का आचरण नहीं कर सकता तब तक वह बौद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, हमारे पूरे बौद्ध इतिहास में भी देखते हैं, हमारे आदर्श जो भी भगवान बुद्ध है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक केवल देने की बात की है, केवल उन्होंने दिया है। उनका जो भी बुद्धत्व का अनुभव था वो अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने केवल अपने तक सीमित न रखते हुए वो पांच परिव्राजकों को उन्होंने ढूंढा। बौद्ध गया से लेकर तो सारनाथ तक वो पैदल गए। आज हम ट्रेन से भी जाते समय असुविधा महसूस करते हैं, लेकिन वे पैदल गए। वे उस जमाने में बहुत सारी यात्रा पैदल की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना अनुभव बताया, धम्म बताया। हमेशा लोगों को दुखों से बाहर निकालने के लिए वे चलते रहे, दान देते रहे, धम्म दान देते रहे, और इस प्रकार का आचरण हमारे गुरु भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध के संघ में जितने भी संघ सदस्य थे, भिक्षु थे, वे लोग कठिन विचार प्रणाली के लोगों में जाकर, कट्टरपंथियों में जाकर, अलग अलग कट्टर धर्मियों लोगों के बीच में जाकर उनके मिथ्या दृष्टि को तोड़ने के लिए अपना अनुभव बताते थे। उनके पास स्वयं चलकर जाते थे, उनको परिवर्तन के लिए मदद करते थे, उनको बदलने के लिए मदद करते थे। हमारे उद्धार करते पूज्य बाबा साहब, उनके जीवन से हम देखते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन केवल मनुष्य मात्रों के कल्याण और हित के लिए केवल देने के लिए गया है। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने इतना दिया है कि प्रत्येक मनुष्य सुख और आनंद के साथ जी सकता है। बाबा साहब चाहते तो अपने स्वयं के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी संपत्ति बना सकते थे, अपना स्वयं का एक जो भौतिक वैभव है वो निर्माण कर सकते थे, लेकिन अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए, अपने सेहत का ध्यान न रखते हुए, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण और हित के लिए जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने दिया है। और इसलिए बौद्ध व्यक्ति करके जो भी स्वयं को कहलाता है वह व्यक्ति दान का आचरण किए बिगर वो बौद्ध नहीं बन सकता है, बौद्ध नहीं बन सकता। पूज्य गाडगे बाबा साहब, इनके जीवन की एक घटना मुझे याद आती है। गाडगे बाबा साहब के बारे में ऐसा कहते हैं कि वे कभी किसी के तरफ से फुकट की कोई चीजें लेते नहीं थे। उनको भोजन भी चाहिए तो लोगों के घर में जाते थे और लकड़ियां तोड़ते थे, और लकड़ी तोड़ने के बाद उसके बदले में जो भी उनको रोटी खाना या जो भी कुछ दान मिलता था वो प्राप्त करते थे। एक दिन क्या हो गया, एक व्यक्ति के घर में वे लकड़ी तोड़ने के लिए गए और लकड़ी तोड़ते समय उन्हें सुगंध आया कि उनके घर में जो पूरणपोड़ी बोलते महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है,
वह पूरन पूरी बन रही थी। लकड़ी तो तोड़ दी है, लकड़ी तोड़ने के बाद उन्हें भोजन दिया गया और वो भोजन था रात की सूखी हुई भाकर रोटी। उन्होंने वो लिए, पहला निवाला खाए। गाडगे बाबा साहब को इनको ये पूरन पूड़ी और बाकी चीजों से लेना देना कुछ नहीं है, इतना त्यागी व्यक्तिमत्व है, इतना महान व्यक्तिमत्व है कि उनके वो उस पूरन पूड़ी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को बदलने के लिए, लोगों की मिथ्या दृष्टि तोड़ने के लिए कभी कभी ऐसे महापुरुष किसी प्रकार का भाष्य करते हैं, किसी प्रकार का ऐसी कृति करते हैं कि जिसके वजह से सामने वाले व्यक्ति की वो मिथ्या दृष्टि तोड़ सके। उन्होंने भाकर लिए, पहला निवाला खाया, दूसरा निवाला खाया और धीरे से क्या बोलते, अरे वाह आप तो पूरन पूड़ी खाएंगे और मैं ये सूखी रोटी खाऊं। वो घर वालों को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, बेर की लकड़ी ली, ऐसा बोलते कि बेर की लकड़ी ली और बेर की लकड़ी से गाडगे बाबा साहब को बहुत मारा। वो मार खाने के बाद चौराहे पे गाडगे बाबा वो बैठे थे, वो सूखी रोटी खा रहे हैं, एक घास खा रहे और कांटे निकल रहे, दूसरा घास खा रहे कांटे निकल रहे। उधर से एक व्यक्ति आया और वो गाडगे बाबा को क्या बोलने लगा, गाडगे बाबा आप क्या कर रहे हैं? तो वो हंसते हंसते क्या बोलते, अरे कुछ नहीं, पूरन पूड़ी का आस्वाद ले रहा हूं। गाडगे बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं तो उनको बहुत सारा दान भी मिलता था, उनके सेहत का ध्यान न रखते हुए उनका भी जीवन सभी के कल्याण के लिए ऐसा ही उन्होंने बिताया है। कहने की बात यह थी कि महापुरुष के जीवन में सबसे बड़ी बात यह दिखाई देती कि वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे समाज में यदि हम चित्र देखते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्यकारक ऐसे चित्र हमें दिखाई देते हैं। एक जमाने में हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरे शहर गांव के बाहर में हम कुटियों में रहते थे, मुंह के सामने गाड़गा था, पीछे में झाड़ू था। ऐसी परिस्थिति बाबा साहब के त्याग से, उनके दान के आचरण से परिवर्तित हुई। आज हमारे घर में बहुत सारी समृद्धि आई, वैभव आया, हम बहुत ऐश आराम में रहते, लेकिन जब देने की बात आती है तो हमारा समाज आज भी देने के लिए आगे पीछे देखता है। कहने की बातें नहीं, जब बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो भी देने के लिए लोभी है, वो देना नहीं चाहते। बातें करना, भाषण देना, दान के बारे में कहीं वक्तव्य करना, ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम बोध करके कितना देते हैं इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। क्योंकि हम बोध करके जब हम देखते तो फालतू की बातों में हमारा पैसा बहुत सारा खर्चा होता है, फालतू की बातों में जो आवश्यक नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए हमारा पैसा बहुत सारा खर्चा होता है। परंतु किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, धम्म राज्य की निर्मिति के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। सुवीर जी को मालूम है कि नागलों के इस कार्य के लिए हम दान मांगने के लिए लोगों तक तो कैसे जाते, कैसे उनको बताने की कोशिश करते। इतना सारा प्रकल्प हम बताने के बावजूद भी लोग फालतू की चीजों में पैसा खर्चा करने के लिए उनके पास होता है, परंतु देने के लिए कभी कभी नहीं होता है। मैं केवल नागलोक के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन आप दूसरे धर्मों के, उनके मंदिर, उनके गुरुद्वारा, उनके जो स्थान होते हैं, पूजा स्थान, उनको देखिए। लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ उनके गुरुद्वारा में, उनके मंदिरों में, उनके उस पवित्र स्थलों में दान देते हैं। उनके केवल दान के आधार पर उनकी वह कार्य चलते हैं। और वैसा हम कह सकते हैं कि बौद्ध व्यक्ति ने यदि ऐसा आचरण किया तो वह निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आज ये नागलोक में इतना बड़ा वैभव हमें जो दिखाई देता है, ये ताइवान के और भारत के बाहर के जो भी कुछ लोग हैं और भारत के अंदर के कुछ बौद्ध लोग हैं, इनके
दान के आचरण का यह एक अभिव्यक्त रूप है। प्यारे भाई तथा बहनों, दान के बारे में हम बहुत कुछ देखने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु दान यह धर्म राज्य के निर्मिति का साधन करके जब हम देखते हैं, या चार संग्रह वस्तु में से एक संग्रह वस्तु करके हम जब देखते हैं, तो दान ये केवल देना यह उसका अर्थ नहीं होता है। दान माने केवल देना उसका अर्थ नहीं होता है, तो दान माने यह एक बौद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति और दूसरा बौद्ध धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति, इनके बीच में निर्माण होने वाला संपर्क, निर्माण होने वाली कल्याण मित्रता, या एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए सहायता करना, मदद करना, यह उस दान का अर्थ होता है। दान माने देना, यह उसका शब्दशः अर्थ है। दान माने देना, यह उसका शब्दशः अर्थ है। परंतु जब हम धम्म राज्य की निर्मिति का वो एक अंग करके जब हम देखते हैं, तो वह उसका अर्थ केवल मर्यादित नहीं बना सकते। उसका अर्थ इतना अमर्यादित है कि दान के आचरण से हम एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संपर्क हम प्रस्थापित करते हैं। दान आचरण से हम कल्याण मित्रता निर्माण करते हैं, और दान आचरण से हम आध्यात्मिक समाज की निर्मिति करते हैं, आध्यात्मिक समाज की। और वो किस प्रकार करते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दान का यहां पर उस प्रकार का अर्थ होता है। उर्गेन संगरक्षित जी ने दान के कुछ उन्होंने अंग बताए हैं कि हम किस प्रकार से दान का आचरण कर सकता है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। दान का आचरण करते समय हम मनुष्य करके हमारे मन में एक बात आती है, हम तो गरीब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे से ये होगा ही नहीं, ये बहुत सारी शंकाएं, कुशंकाएं हमारे मन में आती है। लेकिन बौद्ध व्यक्ति वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो बौद्ध है तो उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कुछ है, वो ये दुनिया को दे सकता है, वो इस दुनिया को दे सकता है, इतना बहुत कुछ उसके पास है। और इसीलिए उर्गेन संगरक्षित जी ने बताए अनुसार दान के हम कुछ प्रकारों को देखने की कोशिश करेंगे। दान का उन्होंने पहला अंग बताया है कि हमने भौतिक वस्तुओं का दान देना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का, इनको हम सभी को संक्षिप्त देखने की कोशिश करेंगे। वो इस प्रकार, भौतिक वस्तुएं, प्रत्येक मनुष्य को अन्न, वस्त्र, निवारा और औषध, इसके तहत मूलभूत गरजाओं की आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को। और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहने हेतु अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधि, यह मूलभूत गरजाओं की पूर्ति करने के लिए वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काफी प्रयास करने के बावजूद भी उनको खाने के लिए रोटी नहीं होती, बरसातों में अपना शरीर का बचाव करने के लिए निवारा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास उनका बच्चा बीमार होता है, उनके बूढ़े माँ बाप बीमार होते हैं, लेकिन उनका औषधोपचार करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में बौद्ध व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, अपने पास यदि इस प्रकार की भौतिक परिस्थिति हो तो उनकी मूलभूत गरजाएं पूर्ण करने के लिए मदद करना चाहिए। हमने थोड़ा सा दान देकर उनके जीवन में भी वो खुशहाली कैसे आए, इसके लिए हमने कोशिश करना चाहिए। यह भौतिक दान है। उसके पश्चात है शक्ति, समय और विचारों का दान। यह बहुत ही आवश्यक ऐसा दान है, शक्ति, समय और विचार का दान। हम बहुत लंबे समय से इस बुद्ध सूर्य विहार में आते हैं,
इस बुद्ध सूर्य विहार में आकर हमने हम धम्म श्रवण करते हैं। निश्चित ही अन्य लोगों से हमें कुछ तो भी थोड़ा सा धम्म मालूम है और हमारे धम्म आचरण के आधार पर हमारे जीवन में जो भी हमने परिवर्तन किया है वो भी हमें मालूम है। जब हम समाज में रहते हैं तो मिथ्या दृष्टि वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी को बोला चलिए ना रविवार को बुद्ध विहार में जाएंगे तो लोग आसानी से क्या बोलते हैं, विहार में जाकर किसका भला हुआ, ये कर्मकांड है। पूजा करने से किसका भला हुआ, ये कर्मकांड है। धर्म क्या विहार में जाने से होता है? मेरे घर में देखो अलमारियों में कितनी सारी किताबें पड़ी है, मैं ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, बहुत सारी बातें वो बताते रहते हैं। कभी कभार लोग अपने पढ़ाई का, अपने विद्वता का इतना उनको अहंकार होता है, हो सकता कुछ लोगों को बहुत सारा त्रिपिटक पता होगा, बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब का कार्य उनको पता होगा, परंतु आचरण मात्र शून्य होता है। और इसलिए हम जागरूक बोध करके हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमने हमारी शक्ति, हमारा समय और हमारा विचार, इनका दान हमने लोगों को देना चाहिए। हमें बहुत सारा धम्म नहीं समझता है, लेकिन पंचशीलों में क्या, पहला शील तो हमको समझता होगा, वो भी नहीं समझता होगा, लेकिन अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति इसके अंदर का फर्क हमें समझता है। हमें यह समझता है कि गलत आचरण करने से उसका परिणाम दुख होता है और अच्छा आचरण करने का परिणाम सुख होता है। हम लोगों को इतना तो बता सकते हैं, हमारे जीवन की ऐसी उदाहरण लोगों के सामने रख सकते हैं कि हम लोगों को ये बता सकते हैं कि दारू पीने वाले, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के जीवन कैसे उद्वस्त हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण करता है, समाज के लोगों के साथ आचरण मैत्रीपूर्ण आचरण करता है, वो कैसा आनंदपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक वातावरण निर्माण करता है, ऐसे हमारी विचार लोगों को बता सकते हैं। हमने लोगों में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, रविवार के दिन आज जो लोग अपने घर में टीवी में बहुत अच्छे अलग 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 चैनल्स देखते होंगे, ऐश आराम में बैठे होंगे, लेकिन बौद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बौद्ध व्यक्ति के मन में हमेशा हमेशा यह भाव होना चाहिए कि मैं अभी किस व्यक्ति को जाकर मिलूं, किस व्यक्ति के साथ मैं संपर्क करूं, किस व्यक्ति के साथ संपर्क करके उसकी जो नकारात्मक दृष्टि है, नकारात्मक भाव है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या धारणा है, उसको नष्ट करने के लिए मैं कैसी मदद करूं, उस व्यक्ति को कैसा प्रेरित करूं कि ताकि वो प्रत्येक रविवार को पूजा एवं प्रवचन के कार्यक्रम में जाए, मैं उसको कैसा प्रेरित करूं ताकि वो शिविरों में जाए, मैं उसको कैसा प्रेरित करूं कि हमेशा वो बुद्ध धम्म और संघ के संपर्क में रहे, मैं उसको कैसा प्रेरित करूं कि हमेशा वो बाबा साहब को अपने हृदय में रखे, और ताकि बाबा साहब को अपने हृदय में रखने के बाद बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए वो भी कार्य कर सके। हमेशा अपने मन में ये भाव हमने रखना चाहिए कि कब मैं दूसरे व्यक्ति को मिलूं ताकि मेरे वजह से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, और उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आकर वह भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सके। इस प्रकार का भाव रखते हुए हमने अपने जीवन की कुछ शक्ति, कुछ समय और हमारे अच्छे विचार लोगों को हमने देना चाहिए ताकि ये देने पर उन लोगों में भी परिवर्तन आएगा, और उन लोगों में परिवर्तन आने की वजह से धम्म राज्य की निर्मिति होगी। उसके बाद तीसरा दान का आचरण है जो है ज्ञान। इसको हम दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति, इसका हमने दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे होने के बाद, मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा हूं कि उनके पास पैसा बहुत सारा है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाकर वहां से भी पैसा कमाने का
कोशिश करते हैं। कोचिंग क्लासेस चलाना, ये लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान का दान करना, शिक्षण का दान करना, यह उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा है, क्योंकि मैंने देखा हूं, उन लोगों को मिला हूं, इतना सारा पैसा है, इतना सारी संपत्ति है, ये करेंगे क्या इसका? कभी कभी मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है। उसके बावजूद भी केवल मरने तक पैसा कमाने के लिए ये केवल जीवन जिएंगे क्या? और जब कोचिंग क्लासेस पढ़ाते हैं और उनके कोचिंग क्लास में कोई गरीब व्यक्ति जाता है, तो उनके पास ये भी भाव नहीं होता है कि उनको बिना मूल्य उनको वो पढ़ा सके है, उनको शिक्षण दे सके, ऐसा कभी भाव नहीं होता। हमने क्या करना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर बाबा साहब की उस बात को प्रेरित करते हुए आचरण वो वातावरण हमने निर्माण करना चाहिए। बाबा साहब ने क्या बोला था? हमारे सभी समुदाय के लोगों को शिक्षित होने का उन्होंने हमें आह्वान किया था। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे कई परिवार है, उस परिवार की आर्थिक परिस्थिति नहीं होती कि वो अच्छा एजुकेशन ले सके। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई परिवार है कि शिक्षा का महत्व उन्हें मालूम नहीं है। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई परिवार है, आज कमाते और आज ही खाते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे होशियार होते हैं, केवल परिस्थिति नहीं होने के वजह से शिक्षण नहीं ले सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। हमने ढूंढना है, ऐसे परिवार को ढूंढना है। हमने ऐसे कुछ सामाजिक प्रकल्प हमने चलाना चाहिए कि कुछ बस्तियों में एकाध रूम हमने किराए पर लेना चाहिए, 10-12 बच्चों को हमने इकट्ठा लाना चाहिए, एकाध अच्छा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति को हमने अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उन गरीब बच्चों को शाम को पढ़ा सके, उनकी ट्यूशन ले सके, उनको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उनके जो कमजोर विषय है उसमें वो मदद कर सके, वो भी शिक्षा में आगे बढ़ सके। हमारे समाज के ऐसे परिवार को हमने ढूंढना चाहिए कि जो आज भी शिक्षा से वंचित है, अच्छे संस्कृति से, अच्छे वातावरण से आज भी वो वंचित है। दारू पीने वाले, गुंडागर्दी वाले, झगड़े फसाद वाले वातावरण में आज भी हमारे परिवार रहते हैं। ऐसे परिवार को ऐसे इस नरकीय वातावरण से निकालने की हमने कोशिश करना चाहिए। अच्छा, श्रेष्ठ और सुंदर संस्कृति हमने उनको प्रदान करने का हमने कोशिश करना चाहिए। निश्चित ही दान के आचरण पर हमने इस प्रकार का दान देना चाहिए कि उच्च शिक्षण और श्रेष्ठ बौद्ध संस्कृति लोगों को हमने परिचित कराना चाहिए, वो हमने लोगों को देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही लोगों के धारणाओं में परिवर्तन आएगा, लोग शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होने से कर्मकांडों से, अंधश्रद्धाओं से बाहर निकलेंगे। अंधश्रद्धा कर्मकांडों से बाहर निकलने की वजह से वो बौद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है समझने की कोशिश करेंगे, कुशल धम्म क्या है, अकुशल धम्म क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित इस हमारे दान के आचरण से उन लोगों के जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन आएगा कि वे भी अपने जीवन की मिथ्या धारणाओं को नष्ट करके बौद्ध धम्म का आचरण करने की कोशिश करेंगे और इससे धम्म राज्य निर्मित होने में सहायता होगा, धम्म राज्य निर्मित होने में सहायता होगा। इसलिए हमने शिक्षा और संस्कृति इसका दान देने की हमने कोशिश करना चाहिए। उसके पश्चात अभयदान। अभयदान के बारे में यह बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा दान है। क्या होता है, हमारे समाज में हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो एक मनोवृत्ति हमें दिखाई देती है। हम एकाध लड़के को बोलते, अरे बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तू करके तो देख। तुरंत ही वो बच्चा क्या जवाब देता, नहीं मेरे से जमेगा नहीं। कोई पढ़ा लिखा यदि अफसर भी होगा, पढ़ा लिखा होगा, काफी अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, लेकिन जिस समाज से ये अफसर बचपन से बड़ा होता है, वो अन्य कम्युनिटी के लोगों के सामने उसको बात करते समय वो हिचकिचाहट महसूस करता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है।
हमारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो आत्मविश्वास नहीं होता है। हमारे समाज के लोगों के अंदर, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, अधिकांश लोगों में कई वर्षों तक पीड़ित रहने के कारणवश वह आत्मविश्वास उनमें नहीं होता है। अभयदान का मतलब होता है कि उनके अंदर वो जीवन जीने का आत्मविश्वास निर्माण करना, अपने जीवन में जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, यह विश्वास उनके अंदर निर्माण करना, यह अभयदान है। और इस प्रकार का हम जब आचरण करें, लोगों को प्रेरित करें कि चिंता मत करें, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देव नहीं है, आप प्रयास करेंगे बेटा तो आपको खुशहाली और आनंद के दिन आपको मिलेंगे, आप मेहनत करिए, आपके अंदर वो बात है, उनके अच्छाई के संपर्क में उनको लाकर देने की आप कोशिश करिए, उनके अंदर वो विश्वास आप निर्माण करने की कोशिश करिए, उन्हें अभय दान दीजिए, जिसके तहत वह उनके जीवन में उस आत्मविश्वास के आधार पर उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में परिवर्तन आने की वजह से उनके परिवार में परिवर्तन आएगा, उस समाज में परिवर्तन आएगा, निश्चित ही धम्म राज्य की निर्मिति करने हेतु इस अभय दान के आचरण के माध्यम से सहायता होगी। उसके बाद का दान का आचरण है धम्मदान, और धम्मदान के बारे में हम थोड़ा विस्तृत देखने की कोशिश करेंगे। धम्मदान, उसके पहले भी रक्तदान, शरीर दान, ऐसे बहुत सारे दान हैं जो अलग अलग बातों का हम दान दे सकते, लेकिन समय को देखते हुए आज हम धम्मदान को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धम्मदान यह सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। और आज हम चार संग्रह वस्तु के तहत हम दान को जब देखते हैं तो यह धम्मदान से ज्यादा जुड़ा हुआ दान है, धम्मदान से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि चार संग्रह वस्तु के तहत या धम्म राज्य के मूल तत्व के तहत जब हम दान को देखते हैं तो यह दान यह बोधिचित्त का अभिव्यक्त रूप है, बोधिचित्त का अभिव्यक्त रूप है, जो बोधिसत्व है उसके आचरण की अभिव्यक्ति है, उस प्रकार से यह दान है। यह जो भी कुछ आज के विषय के तहत धम्म राज्य के निर्मिति के तहत हम जब दान देखते हैं तो जो भी दान का आचरण करता है उस व्यक्ति के मन में इस प्रकार की प्रचंड भावना होती है कि वह हमेशा बुद्ध भूमि निर्माण करे। बुद्ध भूमि निर्माण करना उसके जीवन का उद्देश्य होता है, धम्म राज्य की निर्मिति करना उसके जीवन का उद्देश्य होता है, उसके जीवन का उद्देश्य होता है। और बुद्ध भूमि निर्माण करना, धम्म राज्य निर्माण करना, इसके लिए हमने दान का आचरण करना चाहिए, और इसलिए यह धम्म दान बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आप लोगों को लग सकता है कि मुझे तो बहुत सारा धम्म समझता नहीं, मैं धम्म का आचरण धम्मदान कैसे दे सकता हूं। कभी कभी लोगों की ये एक मिथ्या धारणा बनी होती है कि मेरे जैसा एकाध कोई व्यक्ति होता है उसने ही ठेका लिया होता है कि उसने धम्म देना चाहिए, धम्म प्रवचन देना चाहिए, भिक्षु होने धम्म दान देना चाहिए, धम्म प्रवचन देना चाहिए, ये एक हमारी मिथ्या धारणा होती है। हमारे समाज में जो भी स्कॉलर लोग है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग है, उन्होंने ही धम्म बताना चाहिए, ये हमारी मिथ्या धारणा होती है। धम्म पढ़े लिखे में, पैराव में, कितना पढ़ा लिखा है इसमें, कितना समझता है उसमें, उसमें नहीं है। धम्म ये आचरण में है, और इसलिए आप बौद्ध इतिहास में देखिए, बौद्ध इतिहास में बुद्ध के संग में पढ़े बहुत ही बड़े बड़े विचारवंत ऐसे भिक्षु हो गए भी, लेकिन पट्टसेन नाम का भिक्षु का नाम आपने सुना होगा। बुद्ध बार बार उसको देशना देते थे लेकिन उनको याद ही नहीं रहता था, उनको वो शिक्षा समझती ही नहीं थी। बाद में बुद्ध ने उनको केवल एक ही गाथा बताया, बहुत सारी उनको तत्व ज्ञान बताना बुद्ध ने बंद कर दिया, उनको बताया कि केवल एक ही गाथा तू पठन कर। पट्टसेन ने केवल वो एक ही गाथा की तरफ ध्यान देना चालू किया,
वो एक ही गाथा पठन करते करते पट्टसेन अरहंत बने। जिस पट्टसेन की पूरे लोग मजाक उड़ाते थे कि अनपढ़ है, इसको कुछ समझता नहीं, वो पट्टसेन एक ही गाथा के आधार पर अरहंत बना। अपने जीवन के सभी दुखों को उन्होंने नष्ट किया और अरहंत बनने के बाद वर्षावास शुरू थे भिक्षु के, बुद्ध के जमाने में। उस जमाने में भिक्षुनी संघ ने बुद्ध के तरफ विनंती भेजी कि हमें वर्षावास के तौर पर कोई ऐसा एक भिक्षु भेज दीजिए कि जो हमें धम्मदान दे सके। तो बुद्ध को मालूम था कि पट्टसेन तो अभी अभी अरहंत बन चुका है, तो पट्टसेन को भिक्षुनी संघ के तरफ धम्मदान देने के लिए भेज देते हैं, धम्मदान देने के लिए भेजते। पट्टसेन निकले, जैसे ही पट्टसेन भिक्षुनी निवास के पास आते हैं तो भिक्षुनिया पट्टसेन को देखकर हंसना शुरू करते, उसकी मजाक उड़ाना चालू करते, वो सोचना चालू करते कि ये पट्टसेन हमें क्या धम्म बताएगा, क्योंकि पट्टसेन के बारे में वैसी सोच बनी रहती है। फिर क्या करता है, पट्टसेन के ऊपर इन बातों का कुछ परिणाम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं ने धम्म को धारण किया होता है, वो अरंत होता है, सभी आश्रवों को उसने नष्ट किया होता है, इसलिए इन बातों का परिणाम उसके ऊपर होता नहीं। जो भी व्यासपीठ होता है उस व्यासपीठ पर पट्टसेन जाते हैं और वहां पर जब वो प्रवचन देना शुरू करते हैं तो समूचा भिक्षुनी संघ दांतों तले उंगली दबाते हुए वो पट्टसेन की तरफ देखते रहते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि क्या यही पट्टसेन है जो कल तक जिस पट्टसेन को हम समझते थे। पट्टसेन का प्रवचन सुनते सुनते कुछ भिक्षुनिया उच्च मनोस्था को प्राप्त होती है, ऐसा इतिहास बताता है। कुछ भिक्षुनिया श्रोतापन्न होती है, कुछ भिक्षुनिया सकृदागामी बनते हैं, कुछ भिक्षुनिया अनागामी बनते हैं। पट्टसेन का प्रवचन सुनते सुनते, इसलिए हमने हमारी उस मिथ्या धारणा को हमने नष्ट करना चाहिए कि धम्म दान करना, धम्म प्रवचन देना ये केवल भिक्षुओं की ठेकेदारी है, ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए। ये केवल किसी बौद्ध पंडित की केवल ठेकेदारी है, ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए। बौद्ध धर्म में जिसको हम स्कॉलर समझते, जो पढ़े लिखे समझते, जो विद्वान समझते, केवल उनकी ठेकेदारी है, ऐसा हमने नहीं समझना चाहिए। हम बौद्ध है, हम यदि बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं तो हमें जितनी मात्रा में भी धम्म समझा होगा उतनी मात्रा में हमने लोगों को धम्म बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धम्म बताना चाहिए, धम्मदान प्रत्येक व्यक्ति ने देना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, भिक्षु या किसी प्रकार का पढ़ा लिखा स्कॉलर या मेरे जैसा कोई व्यक्ति, ये पर्टिकुलर लोगों को ही ये मक्तेदारी, ये ठेकेदारी हम समझते हैं, तो हिंदू धर्म के तहत बौद्ध धर्म में पुरोहित स्याही पंडित के सिवा कुछ नहीं होगा, ब्राह्मण के सिवा कुछ नहीं होगा, उस प्रकार की मक्तेदारी फिर से बौद्ध धर्म में भी आएगी और ये सबसे बड़ा धोखा होगा। मैं आपको एक पारिवारिक उदाहरण देता हूं धम्म बताने के लिए। आपका बच्चा, हम कई बार बोलते कि हमारे बच्चा हमारा सुनता नहीं है, उसको गलत आदत है, ये है वो है, और कई बार लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरे बच्चे को ऐसी आदत है, मेरे बच्चे को ऐसा है वैसा है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। वो बच्चे को मिलने के पहले मैं वो माँ बाप को मिलता हूँ, उनकी जीवनी प्राप्त मालूम करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, ये बच्चे को आदत लगी गलत बातों की, ये दूसरा हिस्सा है, लेकिन बच्चा जब से पैदा हुआ है और आज तक जितना बड़ा हुआ है तब से उसने एक बात को ऑब्जर्व किया, अपने माँ बाप के आचरण को उसने ऑब्जर्व किया, उसका निरीक्षण किया। उसने ये निरीक्षण किया है कि मेरा पिता मेरे माता के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसने ये निरीक्षण किया कि मेरी माता मेरे पिता के साथ कैसा व्यवहार करती है, उसने ये निरीक्षण किया कि मेरे माता पिता मेरे घर में जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
और जो लोग ये व्यवहार करते थे वही जो सीखा है। उसको ये बताओ, बेटा मैंने दारू पीना छोड़ दिया हूं, बेटा कल तक आपके माँ को मैं गलत बोलता होगा, लेकिन आज देखते क्या आप, मैं कभी गलत बोलता हूँ, उसका आदर सम्मान करता हूँ, उसके साथ मान सम्मान के साथ व्यवहार करता हूँ। बेटा आप देखते क्या, मेरे बूढ़े माँ बाप की उनकी गंदगी मैं साफ करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। अपने जीवन के आचरण का अनुभव उनके सामने रखिए। किताबों में रखा हुआ धर्म, लिखा हुआ धर्म बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे मनुष्य बदलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जो आचरणशील धम्म है वो बताने की कोशिश करिए, धम्म का अनुभव लोग उनके सामने बताने की कोशिश करिए। हम इतने दिनों से बौद्ध खुद को बोलते हैं, बौद्ध धम्म का आचरण करते हैं, थोड़ा सा तो धम्म हमारा है। आने वाले रविवार को हमें एक विशिष्ट चित्र दिखाई देता है। उत्तर नागपुर में बौद्ध कहलाने वाले लोग इतवार के दिन मटन के दुकान में थैली लेकर खड़े रहते लाइन में। मटन लेने के लिए मटन की दुकान में खड़ा रहने के बजाय विहार में जाने की प्रचंड इच्छा मन में होना चाहिए। यदि वो इच्छा होगी, धम्म जीवन जीने की इच्छा प्रबल हमारे मन में होगी, तो वो अनुभव हमारे बच्चों को यदि बताएंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए ये धम्म दान देने की हमने कोशिश करना चाहिए, हमने इतिहास के कुछ चीजों को देखने की कोशिश करना चाहिए। पूज्य बाबा साहब जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन लाया है, केवल बाबा साहब के जीवन के वजह से, केवल बाबा साहब की निर्मिति के वजह से, केवल बाबा साहब की वजह से ये बहुत ही खुशहाली और आनंदपूर्वक जीवन हमें मिला है, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन उनके लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने बिताया है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस भारत देश के अंदर की पीड़ित महिलाएं, वृद्ध लोग, बालक लोग, इनके कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अन्य जाति धर्मों के लोगों का कल्याण हो सके, इतना महान कार्य उन्होंने किया है। लेकिन संविधान लिखने के बाद बाबा साहब का एक वक्तव्य आप देखने की कोशिश करिए, बाबा साहब वो संविधान के बारे में क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने लिखा हुआ संविधान बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान कैसा होता है, कितना अच्छा है, इस पर उस देश का विकास निर्भर नहीं है। वो संविधान आचरण में लाने वाले लोग है क्या, उस पर उस देश का विकास है। यदि इसी बात को हम बौद्ध धर्म के तहत देखें और यह देखने की कोशिश करें कि खुद को बौद्ध कहलाने वाले संख्या में कितने हैं, इससे बौद्ध धर्म का विकास नहीं होता। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान अपने भेजे में रखने से बौद्ध धर्म का हित नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग बना दो और उस पर अशोक चक्र लगा दो, 14 अप्रैल के दिन रैलियां निकालो, बुद्ध जयंती के दिन रैलियां निकालो, ये केवल दिखावे का बौद्ध जीवन जीने से बौद्ध धर्म का विकास वृद्धि नहीं होती, उसे सुख शांति नहीं मिलती। तो बाबा साहब के जीवन की एक दूसरी मूलभूत घटना को हमें देखना पड़ेगा। कौन सा? कि बाबा साहब ने उनके अनुयायी के लिए बहुत कुछ किया। बाबा साहब ने भारत के सभी जाति धर्म लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा साहब जाते जाते 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म देकर गए। बाबा साहब को यह लगता था कि ये मेरे अनुयायी बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे और यदि बौद्ध धर्म का आचरण करेंगे तो इनके जीवन में आनंद और खुशहाली के दिन कई दूर नहीं है। ये बौद्ध धर्म का आचरण करेंगे तो निश्चित ये आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे, ये बौद्ध धर्म का आचरण करेंगे तो इनके अंदर का जो भी न्यून गंडता है, जो आत्मविश्वास की कमी है, अलग अलग प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं, मिथ्या दृष्टिकोण है, ये नष्ट होगा। ये बौद्ध धर्मों को अपनाएंगे तो ईश्वर को त्याग देंगे, ये बौद्ध धर्मों को अपनाएंगे तो कर्मकांडों को त्याग देंगे,
ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो अंधश्रद्धाएं छोड़ देंगे, ये बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे तो अपने खुशी की जिम्मेदारी, अपने आनंद की जिम्मेदारी स्वयं पर लेंगे, किसी पर नहीं ढकेलेंगे। ये बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे तो स्वयं को जिम्मेदार समझेंगे, स्वयं को जिम्मेदार समझेंगे। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते इस बोधिसत्व ने क्या किया, हमें बुद्ध धम्म संग दिया। और इसलिए बाबा साहब के जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को हमने देखने की कोशिश करना चाहिए कि हमने हमारे जीवन में हमेशा बुद्ध धम्म और संघ को केंद्र स्थान में रखते हुए हम भी हमारे माध्यम से जितना बौद्ध धर्म हम लोगों को दे सकते क्या उसकी कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को धम्म नहीं बता सकते, हमारे में यदि वो क्षमता नहीं है क्या हमारे घर में एक अच्छा पूजा स्थान नहीं बना सकते जिसके अंदर सुंदर बुद्ध की मूर्ति हो, पूज्य बाबा साहब की सुंदर फोटो हो, हर दिन हमारे बच्चों को उस पूजा स्थान के सामने बिठाए, त्रिश्रम पंचशील का ग्रहण करे, त्रिश्रम पंचशील का पठन करे, हमारे बच्चों को बताए कि ये पंचशील बेटा ये है, उन बच्चों को ये बताए कि बाबा साहब का जीवन ये है, बाबा साहब ने ये किया है। हर दिन टीवी का चैनल देखने के लिए बच्चे और हमारा परिवार जैसा हम बैठते हैं उसी तरह क्या हमारे बच्चों के और अन्य सदस्यों को लेकर हम हर शाम हमारे घर में उस पूजा स्थान के सामने नहीं बैठ सकते, ये धम्मदान है। यहाँ भिक्षुओं की, यहाँ कई स्कॉलर व्यक्ति की, यहाँ बहुत बौद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, यह सर्वसामान्य व्यक्ति भी अपने घर में कर सकते हैं और ये छोटी छोटी बातों से भी वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। ये बौद्ध व्यक्ति का लक्षण है कि यह बौद्ध व्यक्ति ने अपने घर में बौद्धमय वातावरण निर्माण करना, बुद्धमय वातावरण करना। बौद्ध व्यक्ति का दान का मूलभूत उद्देश्य होता है बुद्ध भूमि या धम्म राज्य निर्माण करना। वो जहां कहीं होगा वहां वो बुद्ध भूमि की निर्मिति करेगा।